नेक्स्ट है डी, इन ए फुटबॉल मैच 5982 टिकट्स वर सोल्ड ऑन मंडे एंड 4059 टिकट्स ऑन ट्यूसडे। एक फुटबॉल मैच की टिकट इतनी इतनी टिकटें मंडे को बेची गई, ठीक है, और इतनी टिकट बेची गई ट्यूसडे को। फुटबॉल मैच की जो टिकटें थी वो सेल की गई मंडे को 5982 और ट्यूसडे को सेल हुई 4059। हाउ मैनी टिकट्स वर सोल्ड ऑन दीज टू डेज। तो हमें बताना है कि कितनी दो दिन में कितनी टिकट बेची गई। तो यहाँ हम करेंगे सबसे पहले मंडे की टिकट 5982, 4059 ट्यूसडे को टिकट बिकी, तो टोटल कितनी हो गई 9 और 2 11, 11 की 1 कैरी 1, 8 और 5 13 और 1 14, 14 की 4 कैरी 1, 9 यहाँ कोई डिजिट नहीं, 9 और 1 10, 10 की 0 कैरी 1, 5 और 4 9, 9 और 1 कैरी प्लस किया तो 10। दो दिन में कितनी टिकट बिकी 10,000 यानी 10,041। नेक्स्ट है ई, 5,493 पीपल लाइन इन टाउन ए एंड 3,875 पीपल इन टाउन बी। इतने लोगों की टाउन एक टाउन ए में इतने लोगों की लाइन थी और टाउन बी में इतने लोगों की लाइन थी, ठीक है। तो हाउ मैनी पीपल लिव इन बोथ द टाउन्स, दोनों टाउन्स में कितने लोग रहते थे, समझ में आ गया। इतने पीपलों की लाइन टाउन ए में थी और इतने लोगों की लाइन टाउन बी में थी, तो दोनों टाउनों में कितने पीपल लोग रहते थे, पीपल मीन्स लोग। तो हम काउंट करेंगे इनको, इनको भी प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5,493 टाउन ए और टाउन बी में 3,875, इनको हम काउंट करेंगे 5 और 3 8, 9 और 7 16 की 6 कैरी 1, 4 और 8 12, 12 और 1 13 की 3 कैरी 1, 5 और 3 8 और 1 कैरी प्लस किया तो हो गया 9। यानी टाउन ए और बी दोनों में कितने लोग थे, 9,368। ये हो गया हमारा आंसर, ये सब हमने प्लस किए यानी ऐड किए। अब एफ, ए चॉकलेट फैक्ट्री सोल्ड 6,898 चॉकलेट इन जनवरी। एक चॉकलेट फैक्ट्री जो है इतने हजार चॉकलेट जनवरी में बेचती है, ठीक है, 80,425 चॉकलेट वो मार्च में बेचती है और 10,635 चॉकलेट अप्रैल में उसने बेची, समझ में आ गया। एक फैक्ट्री ने जनवरी में इतनी चॉकलेट बेची, मार्च में इतनी चॉकलेट बेची और अप्रैल में इतनी चॉकलेट बेची, तो हाउ मैनी चॉकलेट डिड द फैक्ट्री सेल इन दीज 3 मंथ। तो हमें बताना है कि फैक्ट्री ने 3 महीनों में कितनी चॉकलेट बेची, तो क्या करेंगे हम तीनों का टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हमने लिखी जनवरी की चॉकलेट 6,000
898, फिर 80,425 मार्च की चॉकलेट हो गई, फिर 10,635 अप्रैल की चॉकलेट हो गई। जब हमने इनको प्लस किया तो आंसर आया हमारा 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 की 8, कैरी 1, 9 और 2 11, 11 में 3 प्लस किए तो 14, 14 में 1 कैरी का प्लस किया तो 15, 15 की 5, कैरी 1, 8 और 4 12, 12 और 6 18, 1 कैरी प्लस किया तो हो गया हमारा 19 की 9, कैरी 1, 6 यहाँ पे 0 है, कोई डिजिट नहीं है, 6 में 1 कैरी प्लस किया तो 7, और 8 और 1 9। तो 3 महीने में उन्होंने कितनी भेजी, 97,958। ठीक है, अब नेक्स्ट है जी, जैक ट्रेवल 3,569 किलोमीटर फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, ही ट्रेवल 1500 किलोमीटर फ्रॉम सिटी बी टू सिटी सी, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ही ट्रेवल टू रीच सिटी सी फ्रॉम सिटी ए। क्या पूछते हैं ये, जैक इतने किलोमीटर सिटी ए से सिटी बी चलता है, फिर वह इतने किलोमीटर सिटी बी से सिटी सी चलता है, तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ही ट्रेवल टू रीच सिटी सी फ्रॉम सिटी ए। वह उसका टोटल यानी सिटी सी और सिटी ए में कितना डिस्टेंस है ये हमें बताना है। तो इसमें हम करेंगे सिटी ए और सिटी बी का, सबसे पहले 3,569, 1,500 एंड टोटल किया जब हमने तो 9, 6, 5 और 5 10 की 0, कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 5, तो दोनों के बीच में सिटी सी से सिटी ए के बीच में कितना डिस्टेंस हुआ, 5,069 डिस्टेंस, ये हमारा आंसर आ गया। तो आज के लिए इतना ही, आज का आपका होमवर्क है डू क्लास वर्क इन नोटबुक, इसको आपको अपनी नोटबुक में वर्ड प्रॉब्लम वाले सॉल्व करने हैं। थैंक यू।